हाय गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में एग्जाम में तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू अगर आप इस वीडियो को आज कंप्लीट देखेंगे तो चाहे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए आप जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे चलिए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मेमोरी फुल एक्सप्लेनेशन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो देखें कि मेमोरी होता क्या है मेमोरी इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो कंप्यूटर की ब्रेन है विच स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स फॉर टेम्परली और परमानेंटली जो किसी भी डेटा इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम को कम समय के लिए या फिर आप ये कह सकते हैं परमानेंटली स्टोर करती है जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन और ये जिस तरह से मनुष्य के दिमाग होते हैं उसी तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम का भी ब्रेन होता है अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप क्या है तो दो टाइप होते हैं मेमोरी के प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी यही कंप्यूटर के दो टाइप होते हैं एग्जाम में जब भी आएगा आप ये दो टाइप जरूर लिखेगा देखिए अब प्राइमरी मेमोरी की हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है ये मेन मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की विच कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू जो सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस की जाती है इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी मींस स्टोर डेटा कैन बी लोस्ड इफ़ पावर गोन ऑफ वोलाटाइल का मतलब यही होता है कि जो भी डेटा हम स्टोर करके रखते हैं अगर हमारा कंप्यूटर सडनली पावर ऑफ हो जाए बंद हो जाए किसी कारण से तो वो डेटा जो है लॉस हो जाता है प्राइमरी मेमोरी में आप तीन पॉइंट याद रखिएगा जब भी एग्जाम में लिखिएगा फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी हमारा मेन मेमोरी होता है सेकेंड प्राइमरी मेमोरी को ही हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं और थर्ड है प्राइमरी मेमोरी को ही हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं तो अब हम उम्मीद करते हैं प्राइमरी मेमोरी में आपका कोई भी डाउट नहीं है अब देखिए प्राइमरी मेमोरी के भी कुछ टाइप होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं प्राइमरी मेमोरी के दो मेन टाइप होते हैं फर्स्ट है रैम और सेकेंड है रोम रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी फिर रैम के दो टाइप होते हैं यस रैम और डी रैम जब हम रोम की बात करते हैं तो इसके तीन टाइप होते हैं पी रोम ई पी रोम डबल ई पीरोम कंप्यूटर की मेमोरी का सेकेंड टाइप होता है सेकेंडरी मेमोरी अब देखिए ये क्या है सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसे कहते हैं बाहरी मेमोरी विच स्टोर्स डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली ये किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन को परमानेंटली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव करता है इट इज़ आ नन वोलाटाइल मेमोरी मीन्स स्टोर डेटा कैन नॉट बी लोस्ट इवन इफ़ द कंप्यूटर इज़ टर्नड ऑफ इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है ये नन वोलाटाइल मेमोरी है और इसका मतलब ये होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम कुछ भी डेटा को सेव कर देते हैं तो वो सीधा हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है और कंप्यूटर शट डाउन हो जाए बंद हो जाए किसी कारण से तो भी हमारा डेटा लोस्ट नहीं होता है अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के टाइप का तो फर्स्ट है यू इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस सेकेंड है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस सच एस सी डी 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 एंड ब्लू रे डिस्क सी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और थर्ड हमारा है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव तो ये था सेकेंडरी मेमोरी का तीन टाइप अब हम एक चार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसे अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको मेमोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको कभी भूलने की आदत नहीं होगी कंप्यूटर मेमोरी का अब चार्ट देखिए मैंने लिखा मेमोरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी के दो मेन टाइप होते हैं रैम और रोम रैम के भी दो टाइप होते हैं यस रैम डी रैम और रोम के टाइप होते हैं तीन पी रोम ईपी रोम डबल ईपी रोम ठीक है इन सभी का फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा रैम और रोम का डिफरेंस बिटवीन पे मैंने एक वीडियो बनाया है उसी आप जरूर देखिएगा उस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हमेशा रिपीट करता है अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी का टाइप देखिए फर्स्ट है यूएसबी सीडी डीवीडी और हार्ड डिस्क ड्राइव अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है व्हाट इज मेमोरी सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी थर्ड क्वेश्चन है टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी फोर्थ है वॉट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इस पर वीडियो बनी है आप देख लीजिएगा और लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इसपे मैं नेक्स्ट वीडियो बताने वाली हूं आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग